मेंढक राजकुमार। एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। बड़े लाड़ प्यार से वो बड़ी हुई थी। उसके पास सोने का ड्रेस था, सोने का मुकुट भी था, सोने की थाली और सोने का बिस्तर भी था। उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी सोने का बॉल। वो उस बॉल के साथ बगीचे में घंटों तक खेलती रहती थी। लेकिन एक दिन वह बॉल बहुत दूर गया, बगीचे के बाहर जंगल में एक कुएं में जाके गिर गया। राजकुमारी रोने लगी। वो भागते भागते उस बॉल के पीछे गई। उसने देखा वो कुआ बहुत गहरा था। वो कुछ नहीं कर सकी। मैं नीचे कुएं में जा सकता हूँ और तुम्हारे लिए बॉल लेकर आ सकता हूँ। उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया सिवाय एक छोटे हरे रंग के मेंढक के अलावा, जो कुएं के ऊपर बैठा था। लेकिन मुझे क्या मिलेगा, मेंढक ने पूछा। कुछ भी, राजकुमारी बोली। ड्रेस दूंगी, गहने दूंगी, मोती दूंगी, लेकिन मेंढक तो इसमें से कुछ भी नहीं पहनता, इसलिए उसने इसके बदले में दूसरा कुछ मांगा। मेंढक बोला, मुझे तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ सोने की थाली में खाना है और सोने के बिस्तर पर सोना है। राजकुमारी ने उसकी ये बात मान ली, क्योंकि उसको वो बॉल वापस चाहिए था। फिर मेंढक ने अपने पैर फैलाकर जोर से कुएं में कूद गया और वो सोने का बॉल अपने छोटे हाथों में ले आया। राजकुमारी को बहुत आनंद हुआ। वो जोर जोर से कूदने उछलने लगी। उसने मेंढक के हाथ से बॉल लिया और भाग गई। उसने मेंढक को दिया हुआ वचन वो भूल गई। रात में राजकुमारी खाने के टेबल पर अपने पिताजी और बहन के साथ बैठी हुई थी। वो खाना शुरू ही करने वाली थी, इतने में उन्होंने तीन बार दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। मैं हूँ, प्रिय राजकुमारी। ऐसी कुछ अजीब जानी पहचानी आवाज उसने सुनी। जैसे तुमने मुझे वचन दिया था, मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। राजा ने उसकी बात सुनी। राजा वचन निभाने में बहुत विश्वास करता था। राजकुमारी ने जैसे ही दरवाजा खोला, मेंढक उछल के अंदर आया। वो बिल्कुल राजकुमारी के बाजू में बैठ गया और उसके साथ उसके ही सोने के थाली में खाना खाया। जैसे राजकुमारी ने वचन किया था, बिल्कुल वैसे ही। जैसे ही रात हो गई, मेंढक राजकुमारी के सोने के बिस्तर पर सोना चाहता था, लेकिन राजकुमारी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इतना गंदा घिलौना मेंढक राजकुमारी के बिस्तर पर, वो गुस्से से बोली और उसने मेंढक को उठाकर दीवार पर फेंक दिया। मेंढक गायब हुआ। राजकुमारी ने उसकी आंखें मलकर वापस देखा तो एक बहुत सुंदर और खूबसूरत राजकुमार बैठा था। मुझे किसी चुड़ैल ने श्राप दिया था बहुत साल पहले, लेकिन तुमने इस श्राप को तोड़ दिया। वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। उन्होंने शादी कर ली और राजकुमार के महल में दोनों रहने लगे। राजकुमारी के पास अभी भी वो सोने का बॉल था। अभी उनके बच्चे उस बॉल के साथ खेलते थे। वो बड़े प्यार से रहने लगे। उन्होंने राजा को धन्यवाद किया, क्योंकि राजा ने ही उनको वचन निभाने की सलाह दी थी।